कहना तो दुनिया कहता है मगर कहना नहीं करना है। उनका आशीर्वाद होगा तो करना है और जरूर कराना है। हम भी बाबा के साथ हैं और बाबा से जो कहेंगे जो हमारी कमी क्षेत्र में होगा, महाराजगंज में हो या चाहे कहीं हो, वो क्षेत्र को यहाँ को पूरा जरूर करना पड़ेगा तो हमारा यहाँ का बोल चल नहीं। सर आज आप खेसारी लाल यादव जी के निवास स्थान पर पहुँचे हैं, उनके पिता श्री अभ्रता श्री भी मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? सर ये तो बहुत अच्छी बात है सर, सौभाग्य की बात है, एक सुदामा ने कृष्ण के दरबार में आया हुआ है तो बस इससे बड़ा और क्या कहेंगे इसके लिए, सब तो उपयुक्त होगा। महाराजगंज से आपका टिकट भी फाइनल हुआ है तो जनता के लिए आपका आपके तरफ से क्या? बस महाराज जनता से ही आग्रह करेंगे कि आप लोगों ने हर बार ठगा हुआ महसूस अपने को किया और हर बार लोग आया आपको ठग कर लेकर चला गया, आप हर बार ठग गए, इस बार आप हमें आजमा कर देखिए। आपने कहा कि बार बार देखा उन लोगों को, एक बार आप हमें देख कर देखिए कि महाराजगंज का हम विकास कायाकल्प कर देंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। यहाँ जितनी विकास की रफ्तार जो कम थी धीमी थी वो सारा हम चालू कर देंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। खेसारी जी के पिता श्री खुश मिजाज दिल के माने जाते हैं, उनसे और उनके परिवार से मिलकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, उसे तो इस परिवार से हमारे बहुत पहले से अच्छा लगा होता, पता लगा लीजिए। हम पूर्व के फोटो सब दिखाए आपको, खेसारी भाई का फोटो हमारा साथ करते 10 साल पहले का फोटो, 8-9 साल पहले का भी फोटो है, इधर भी 2 साल पहले का फोटो है। खेसारी भाई से बहुत पुराना संबंध था, यहाँ हम नहीं आए थे, यहाँ भी आने का इस बार सौभाग्य प्राप्त हुआ, चाचा से भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, आशीर्वाद मिल गया, भाई से आशीर्वाद मिल गया हमको, तो ये तो मैंने सौभाग्य की बात है ना कि अब हम यहाँ का प्रतिनिधि बनने जा रहे हैं महाराजगंज का, और इसमें इन्हीं लोगों का आशीर्वाद सब महत्वपूर्ण है, यहाँ माता का दर्शन करने आ गए। आज बाबा रुआ घर पहलवानी कैसा लगा था? अभी कुछ पूछे वाला चीज मुझे कैसा लगा था, उतना बढ़िया लगा था जितना मिठाइयों मीठ ला हुई, जितना प्रेम भाव मीठ बा, माई के छछात जब से हाथ जोड़ बा तो बोल टीका ये मेरा दियाल बा, माई टीका के लिहाज जरूर करी है कि यहाँ के मैदान में झंडा जो बात फरक लहर गई। अच्छा तमाम तरह के लोग कह रहे हैं कि खेसारी जी भी इलेक्शन लड़ने वाले हैं, इसमें कितना सच्चाई है? अब देखी अब तो अब क्रमोल के बात बा, लड़का के जीत होला तो बाप के समझे के पड़ेला, जीत के अब पूरा करे के पड़ेला, या ना तो समझेला तो समझाइयो देवे के पड़ेला, तो जवन उनकर कृपा हुई तो ठीके हुई, माई के आशीर्वाद हुई जो ठड़ी आई है, तो अभी गुरु महाराज जब से बोले बोली बोले वो बड़े तो माई गैसल करस की बीजे दोनों तरफ से करस मिलजुल के महाराज उगे सटले बा छपरा सटले बा है सारल के 3 बेटा छपरा सिवाल गोपालगंज जी। तो हम लालू भाई कहा के है रउआ गोपालगंज जिला के है, तो बाद में भइल बा गोपालगंज आ सिवाल, पहले के बिल्कुल छपरा आ छपरा से पहले सारल, बिल्कुल तो सारल के रवैया वाली सब ओजा एजा माई के कृपा ऐसा लोग हो कि झंडा जोर बात और फर 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 उड़ जाओ। शुक्रिया जी। आप भी खेसारी जी के बड़े भ्राता हैं, आज टूना पांडे जी आपके निवास स्थान पर आए हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? कहना क्या, बहुत खुशी हो रहा है और आगे भी इसके इस चीज़ के लिए हम मेहनत करेंगे कि जिसके लिए कदम उठाया गया है उस पर सफलता मिले और मिलेगा, जनता का प्यार है मोहब्बत है, सब कोई साथ में है तो एक साथ कुछ भी हो सकता है। अच्छा न्यूज़ में और तमाम सोशल मीडिया पर ऐसा चलाया जा रहा है कि खेसारी लाल यादव भी चुनाव लड़ने वाले हैं, तो कितना देखिए ये तो मतलब अभी इस चीज़ को कुछ कहा नहीं जा सकता है, बाकी फिर भी परिवार ऐसा कुछ मनग्रंथ बनेगा तो अब देखिए मेन क्या है कि सब कुछ उनके हाथ में है, अब वो जैसा क्लियर फैसला करते हैं तो उस फैसला पर हम लोग अटल रहते हैं। परिवार की तरफ से क्या रहा है? ठीक है, वो हम लोग को सहयोग है कि ठीक है, आप जिसमें आपकी खुशी मिलती है उसमें हमारी खुशी है। जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा? मैसेज यही रहेगा कि अभी बाबा जो तैयारी किए हैं, अब सबसे यही आग्रह है कि इस चीज़ को सफलता दिलाया जाए और आगे बढ़ाया जाए, आगे किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, सब लोग साथ में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।